गुड मॉर्निंग। और अभी 11:30 बज चुका है, तो आज का मौसम जो है ना, मतलब सवेरे से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है मौसम, ये आप देख सकते हैं। एक्चुअली अभी तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अभी तक मतलब आधे घंटे पहले भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो ठंडा भी है थोड़ा सा मौसम। तो अभी हम लोग थोड़ा सा मसाज कर लेते हैं इस ऑयल से, फिर इसके बाद नहा धो के फिर रेडी हो लेते हैं। है बाबा मसाज हो गए मसाज। इसके बाद इसको नहला के मैं अपना जो काम है उसको निपटाऊंगी। और आज है एक्चुअली आज मेरी बुआ आ रही है, तो उसके उनके साथ भी आप लोगों को मिलाऊंगी। और आज कुछ स्पेशल बन रहा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है लंच बन रहा है, मम्मी बना रहे हैं। और यहाँ पे फिश है, छोटा छोटा फिश जिसको पूटी माछ बोलते हैं बंगाली में। और यहाँ पे है रोहू फिश दिख रहा है, और जिसको रूई माछ बोलते हैं। तो यहाँ पे है अंडा, मतलब फिश का अंडा, इसको फ्राई किया हुआ है, तो इसके साथ लोटी के साथ बनेगा। और लोटी क्या है ये जो बंगाली लोग हैं वही समझेंगे। तो ये मम्मी बना रहे हैं। और एक्चुअली ये डिश जो है लोटी के साथ, ये अंडा जो है मछली वाला अंडा, ये मैं बहुत दिनों बाद खाऊंगी, मतलब लगभग 3.5 से 4 साल बाद खाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं, एक्चुअली मम्मी के पास हूँ तो इधर मछली, फिर ये सब आइटम खाने को मिल रहा है, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ उधर ये सब मिलते भी नहीं है। इनफैक्ट फिश भी नहीं मिलते है उतने अच्छे उधर। तो ये सब फिलहाल मैं इधर आज लंच में मिलेगा खाने को। और आज मेरी बुआ भी आई है, आप लोगों को मिलाऊंगी बुआ के साथ। और एक और स्पेशल आइटम है, वो मैं लंच टेबल पे आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी जो है मैं नहा के फिर अभी थोड़ा छत पे आई हूँ, तो अभी इतने देर तक बारिश हो रही थी, थोड़ा सा कम हुआ तो अच्छा लग रहा है बाहर। जस्ट मौसम अब देख सकते हैं। और उस तरफ देखिए, इधर से देखेगा कि नहीं पता नहीं चल रहा है मुझे, एक्चुअली बहुत दूर पे काशफूल है। काशफूल जो है वो दुर्गा पूजा के पहले होते हैं, जैसे कि दुर्गा पूजा आ रहा है। जब बचपन में थी तो बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे ही काशफूल देखते थे तो एक अलग सा मतलब मज़ा आ जाता था कि पूजा आ रही है। तो बस थोड़ा सा अभी बारिश अच्छा लगता है मुझे, बारिश तो और ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आप घर पे बैठे रहो और बैठ के बारिश को एंजॉय करो। लेकिन बाहर जाना हो तो उस टाइम पे अच्छा नहीं होता है। काशफूल दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा जूम करके मैं दिखा रही हूँ, तो थोड़ा बहुत दिख रहा है काशफूल।
आसमान देखिए, क्लाउडी क्लाउडी सा है बिल्कुल। आज एक्चुअली सवेरे से पूरे दिन भर ही हो रहा है बारिश थोड़ा थोड़ा करके, फिर अभी जो है थोड़ा सा कम हुआ है। मुझे तो लग रहा है आज पूरा मतलब अब रेनी डे बोल सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे कपड़े जो है सुखाने दिए थे, गर्मी है जितना भी बारिश हो रही है, गर्मी नहीं कम हो रही है यहाँ पे। एक्चुअली बारिश जितना भी हो गर्म रहता है, मतलब पसीना बहुत ज़्यादा आता है यहाँ पे। थोड़ा सा हवा चल रहा है तो कपड़े जो है वो सूख जाएंगे, बहुत सारा कपड़ा फिर बच्चे के साथ होता ही है। तो फिर चलिए फिर चलते हैं नीचे। तो अभी हम लोग लंच करने जाएंगे और मेरी बेटी सो रही है और इधर मेरे बुआ है, आज आए हैं इधर। बुआ मतलब पीसी, मेरे पीसी। और हम लोग अभी लंच करेंगे, लंच में क्या क्या बना है वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। और आज थक भी तो क्या ना। और इधर मेरी पीसी जो है थोड़ा सा शर्मा रही है, थक भी दस में है। अरे थकते ही अब एकदम नीचे को मिला नीचे थक गई। तो चलिए फिर बहुत देर भी हो गया और बहुत ज्यादा भूख भी लग गई है अभी। चलिए मिलते हैं लंच। चलो कुछ नहीं था, हरा डाला नहीं। चलो तुम नींबू काटो, चले ये फिर लंच कर लेते हैं। रोटी और फिश का अंडा। কচু শাক ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে
जो है लंच हो गया और मेरी बेटी एक्चुअली उठ गई थी लंच करते करते, तो उसको दूध पिला दिया। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बैठ के क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे। हाँ बाबा, हेलो, सबको हेलो बोलो। हेलो बाबा, सब कैसे हैं? तो अभी हम लोग बैठ के थोड़ा सा गप्पे करेंगे, फिर मेरी बुआ आई है ना, तो आप लोगों को सब मिलाया है मैंने, तो फिर थोड़ा सा करके उसके बाद कुछ काम है, और 3 बजे से मुझे ट्रेनिंग अटेंड करनी है, तो उसको भी करना है, तो अभी थोड़ा सा कुछ। तो आज तो एक्चुअली बहुत सारा आइटम हुआ था, तो आज बहुत सारा आइटम हुआ था, तो उसमें से मुझे तो सबसे अच्छा लगा क्या, कोचूर साग, जो इलिश माछ से माथा दिए वैसे सेटा मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बाकी सब तो अच्छा ही था। और इधर मेरी बुआ है, आपको कौन सा आइटम अच्छा लगा? कुछ शायद अच्छा। ओके, और आपको मम्मी? तो जो छोटा छोटा माछ मैंने फिश दिखाया था, तो वो वाला फिश मेरी मम्मी को ज़्यादा पसंद आया है। वैसे क्या है ना, मेरी मम्मी के हाथ में ना जादू है, जो भी टच कर देते हैं खाने के आइटम में वो मतलब लाजवाब हो जाता है उसका, ऐसा है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो और हाँ, वो तो मैंने दिखाया ही नहीं आपको, मेरे बुआ ने क्या लाया मेरे लिए और मेरे मम्मी के लिए, मतलब दो टाइप का अचार लाया है। एक है ये चालतर अचार और एक आमेर अचार, बहुत टेस्टी हुआ है बहुत, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं खा रही हूँ, थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया, क्योंकि अभी जो है मेरी बेबी को मुझे ब्रेस्ट फीड करवाना पड़ रहा है, तो मैं कुछ उतना ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, तो थोड़ा तीखा भी हुआ है। मैंने बोल दिया बुआ को कि जब मैं घर जाऊँगी तब मेरे लिए ये अचार, आम वाला अचार और क्या है चलता, ये दो आचार मेरे लिए रखे, फिर मैं लेके जाऊंगी, है ना? आपको क्या चाहिए? आपको कुछ? मेरे को चलता आचार चाहिए। चलते का आचार? किसे आखिर क्या आचार बोलते हैं? नमक का आचार, मिर्च का आचार और मतलब बहुत नेबू आचार। मेरे बुआ जो है ना, उनको बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ अचार बनाना आता है, तो बहुत अच्छा है, मतलब टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है उसका। अच्छा दुनिया में तो फिर चलिए, फिर अभी इस वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि सुबह से चल रहा है, तो मेरी बेटी के साथ थोड़ा सा और मिला देते हैं, फिर हम लोग एंड कर देंगे इस वीडियो को, एंड कर देंगे बाबा, फिर हम लोग एंड कर देंगे मम्मा। और ये जो टी शर्ट अब दिख रहे हैं, ये मेरी मम्मी ने दिया है, ये येलो कलर की टी शर्ट। एक्चुअली मम्मी के इधर आई ना मैं, तो बहुत दिन से हूँ, तो कपड़े जो है बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं लाई थी, लॉकडाउन के चलते हुए फिर कोरोना की वजह से जा ही नहीं पाई ससुराल, तो बस उतने कपड़े में चल रहा था, तो मम्मी ने ये टी शर्ट बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक टी शर्ट ले आती हूँ, फिलहाल ये मम्मी ने लाया है बाबा। और मेरी बेटी को, और मेरी बेटी के लिए क्या है, मेरी बेटी के लिए तो सब कुछ है माँ, माही के लिए तो सब कुछ है ना, सब कुछ है।
माई के लिए सब कुछ है, मेरा तो सब कुछ है, है ना अरमान लाडली बेटा? ये देखो, हेलो मम्मा, हेलो, आज मैंने कोई बिंदी नहीं लगाई, काजल नहीं लगाई आज मैंने, एक्चुअली हो नहीं पाया। जब लेटे रहते हैं, जब सोते हैं ना, तब उसी टाइम ही मैं जो काजल है मैं लगाती हूँ उसी टाइम, क्योंकि जगे हुए अगर मैं लगाऊंगी तो बिल्कुल पूरे फेस में बिखर जाएंगे इसे। तो आज जो है सोने के टाइम में मुझे मौका नहीं मिला लगाने को। है बाबा, है बाबा, है बाबा, है बाबा, चलते हैं मम्मा। तो फिर आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।